सवाल ये है कि देखिए दोनों तरफ से ये दम भरा जा रहा है, तेजस्वी यादव कहते हैं, कांग्रेस कहती है कि एकदम, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि फर्स्ट टू फेज में फ्लॉप शो हो गया है, इधर से कहा जा रहा है कि 400 पार का दम जो है हमारा सही साबित होगा, इसीलिए इतने हताश हो रहे हैं सारे और कांग्रेस वाले भी छोड़ छोड़ के इधर आ रहे हैं। शिवम त्यागी जी, दो लाइन में अपनी बात पूरी कीजिए, मैं सबसे जल्दी कमेंट लेना चाहती हूँ। देखिए मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं अंजना जी कि जहां तक बात 400 पार की है, अब की बार 400 पार होने जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से लोग जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से लोग जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के चुनाव पर कोई टिकट पर कोई चुनाव लड़ना नहीं चाहता। रोहन गुप्ता जी जैसे व्यक्तियों को टिकट दिया तो वो छोड़कर चले गए, बाकी जो कैंडिडेट्स हैं वो जानबूझकर गलती कर दे रहे हैं, पैसे वालों को सिर्फ टिकट मिल रहा है, कार्यकर्ताओं को इग्नोर किया जा रहा है। और अंततः बात साफ है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो लगातार कहते हैं अब की बार 400 पार हम करने जा रहे हैं, कांग्रेस हताश है, निराश है, लोग छोड़कर भाग रहे हैं और डूबते जहाज में फिर से जी, अब आपकी बारी है, मोर्चा संभालिए आप लोगों के पार्टी को, ठीक है, पार्टी में कार्यकर्ताओं की नए सिरे से सोचने की जरूरत है, क्या विचारधारा इतनी कमजोर है कि इतने सारे लोग, और ऐसे नहीं उम्मीदवार अगर निकल जाए तो अपने आप में बड़ी किरकिरी कराता है, डीप फेक वीडियोस के मुद्दे पर, बहुत सारी बातों पर बीजेपी का आरोप है कि आप लोग हताश हो गए। अंजना जी, ये अमित शाह साहब के वीडियो चलाइए ना हर सभा में, साथी कार्यकर्ताओं 370 वोट हर बूथ पर बना बढ़ाना तब हमारी सरकार जाकर बनेगी। अरे अमित शाह साहब, पहला चुनाव तो आपका कार्यकर्ता आपकी पार्टी के खिलाफ लड़ रहा है। जो आडवाणी जी ने चिट्ठी लिखी थी 2013 में कि ये नानाजी देशमुख की, अटल बिहारी वाजपेयी की, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की भाजपा नहीं रही, कुछ लोग निजी हित साधने आ गए, वो दिखाई दे रहा है। पहली लड़ाई कार्यकर्ता और आपके बीच है, दूसरी लड़ाई देश की महिलाएं जो महंगाई की आग में झोंक दी गई, जो बेरोजगार युवक, जो संसाधनों की लूट हुई जनता आपके खिलाफ लड़ रही है। 4 से 11% तक वोट परसेंटेज कम हुआ है, हूबहू 2004 में यही हुआ था, एक के बाद एक चरण दर चरण वोट प्रतिशत कम हुआ था। और भूल गए क्या जयपुर के सोशल मीडिया के कॉन्क्लेव को, आपके पार्टी के कार्यकर्ताओं को क्या कह रहे थे? झूठ बोलिए, सच झूठ खट्टा मीठा जो हो वो सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर फैला दीजिए। एक बार वीडियो देखिए आप अमित शाह साहब, जैसा बोएंगे वैसे ही काटेंगे, अगर बबूल का पेड़ बोएंगे तो आम की उम्मीद मत करिएगा अमित शाह साहब, ये जो सब आपने बोया है वो पलट कर अरविंद वाजपेयी आपको सत्ता से उखाड़ कर फेंक दिया जाएगा। अंजना जी 10 सेकंड दीजिएगा। देखिए हमें तो जो जनता, देखिए अरविंद वाजपेयी वोटिंग, आप लोगों ने तो स्वयं ही भुगता है, जब चिराग जी के चाचा जी उधर चल गए थे, अरे चाचा जी जब चले गए थे तो आप लोगों को भी तो ऐसे ही मतलब रुसवा होना पड़ा था। अरे वो तो वो हमारे परिवार का झगड़ा था ना, परिवार का झगड़ा था, किसी को हम दोष क्या देंगे, हम तो अपने परिवार को ही दोष देंगे। दर्द नया पुराना क्या, दर्द तो दर्द होता है, मामला ठीक हो गया हमारा, नहीं नहीं दर्द तो हमेशा रहेगा, दर्द रहेगा, चाचा के खिलाफ दर्द रहेगा, लेकिन चाचा इशू नहीं है, इशू कुछ और है, इशू ये है क्या मोदी के खिलाफ है, इशू ये है क्या स्लो वोटिंग जो दो फेज की है उससे हमको नुकसान होने जा रहा है। देखिए ये सेटल्ड प्रैक्टिस है कि अगर सत्ता से हटाना होता है तो वोट प्रतिशत ज्यादा होता है। आप तो इतने पुराने पत्रकार, आपको तो सब डाटा एकदम दिमाग में भरे हुए, लेकिन हमने भी चेक किए हैं, उसके हिसाब से यही है। और ये मान के चलना कि वोट प्रतिशत कम हुआ है तो बीजेपी का वोट नहीं आया, ये सर्वथा गलत है। वो यथा स्थिति बनाने के लिए ये स्थिति बनी हुई है। अगर मोदी को हटाना होता तो जो इनका सो कॉल्ड वोट जो ये क्लेम करते हैं, जैसे MY का समीकरण है या तुष्टिकरण वाला समीकरण है, वो लाइन में लग जाता है और वो धूप वगैरह कुछ नहीं देखता और वोट प्रतिशत बढ़ता है, तो वो स्थिति। अरे वाजपेयी जी अभी 4 जून के बाद इधर आ जाओगे आप, ये क्या गिना पाए है, क्या गिना पाए? अनुराग भदौरिया जी ये तो बताएं, अनुराग भदौरिया आप इधर आ जाओगे इंडिया, अंजना जी देखिए वाजपेयी जी अनुराग जी अपनों को तो रोक लो पहले, अपनों को रोक लो, तब होगी बात, तो इंडिया आई ना पहले, याद रखिए, सुनिए वाजपेयी जी, सुनिए एनडीए, अरे यार वाजपेयी जी सुनिए तो सही, एनडीए गई इंडिया आई, इसी पे टिकिए आप,
क्योंकि आप भी 4 जून के बाद इंडिया के साथ दिखाई देंगे, क्योंकि आपको पता है सत्ता जिधर उधर आपको आना, तो आप क्यों इतना परेशान बेचैन होते हैं बीजेपी के लिए, क्योंकि आपको आपको समझ में आ गया कि भारतीय जनता पार्टी ने जो अन्याय किया है, जो भारतीय जनता पार्टी ने जनता के साथ जो अन्याय किया है, जनता के मुद्दों पर बात की, ये भी आप जानते हो, ये भी आप जानते हो कि भारतीय जनता पार्टी की अब ग्राउंड जीरो पे जीरो हो चुकी है। जब भारतीय जनता पार्टी जीरो हो चुकी है तो आप भी इधर आ जाइए, तो आपकी भी व्यवस्था इधर। सिर्फ एक लाइन शिवम त्यागी, टाइम खत्म हो चुका है, सिर्फ एक लाइन, आवाज नहीं, 10 सेकंड जल्दी से, सिर्फ एक लाइन, सिर्फ एक लाइन। मैं आज तक के माध्यम से इस देश की जनता को यही कहना चाहता हूं कि इनसे अपने कैंडिडेट रुक नहीं रहे, साइन ये कर नहीं पा रहे, लोग इनके पार्टी छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं घमंडिया वालों को, और कहते सरकार बना लेंगे। सरकार छोड़ो, जो है पार्टी में पहले उनको रोक लो, जिनको टिकट दे दिया उनको रोक लो, अरे कम से कम वोट की खिड़की तक तो पहुंचो भाई, कोई चुनाव नहीं। इसी के साथ हल्ला बोल में इतना ही, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।